नमस्कार, इन बीसीएन की खास पेशकश doctor.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रत्नाकर। हम अपनी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। कहते एक स्वस्थ तन में स्वस्थ दिमाग वास करता है। जिंदगी तो हमें भगवान की दया से मिल ही जाती है, लेकिन इस जिंदगी को जीते जीते कई कॉम्प्लिकेशन आते, कई अड़चने आती हैं। और जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें एक सहायता की जरूरत होती है, और इस वक्त हमें याद आती है डॉक्टर्स की। हम अपने जीवन में, पूरी दुनिया में सभी तरह के दिन मनाते हैं, लेकिन जो हमारे हेल्थ को अच्छी तरह से हमेशा रखने में हमें सहायता करते हैं, उनके लिए भी एक दिन होता है डॉक्टर्स डे। जो तमाम हमने बीमारियां सही हैं, उन तमाम बीमारियों के लिए जिन्होंने इलाज किया, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इस दिन का आयोजन हुआ है। और यह जरूरी भी है कि ऐसी सेवा कि जो एक धारणा लेके चलते, एक सेवा व्रत एक लेके अपने जीवन जीते हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए इस डॉक्टर्स डे में उनका धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा ही धन्यवाद करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर ललित राउत जी हैं। आप हेमेटोलॉजिस्ट हैं और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हैं। मैं इनका हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके बारे में और बता दो कि आप ओरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन सर्विस साइंसेस के आप डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तमाम टीम को हम इनबीसीएन और हमारे व्यूअर्स की तरफ से डॉक्टर्स डे की बधाइयां देते हैं। ओरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एक सपना लेकर आपने शुरू किया था, तो ये सपना आपने किस तरह से देखा था? देखिए, जब अपना पढ़ाई हो जाता है जी, तब अपने मन में इच्छा रहती है कि जाके अपने यहाँ पे जाके, अपना जो भी शहर है वहाँ पे जाके प्रैक्टिस चालू करें जी, और जो सुविधाएं वहाँ अवेलेबल नहीं है वो देनी। पढ़ाई तो बहुत जगह पे हुई है, चाहता है तो कनाडा में भी रह सकते थे, बाहर और कंट्रीज में भी रह सकते थे, पर वो ना करते हुए हमारी पहले से इच्छा थी कि यहाँ आके कुछ किया जाए। क्योंकि इनडायरेक्टली जो अपने आज तक ने अपने देश ने दिया है, लोगों ने दिया है, वो अपने को वापस देना है, वो सर्विस के रूप में देना है, ये मेन इच्छा थी। और फिर उसमें अकेले से करना मुश्किल रहता है, इसलिए हमने टीम बनाई। टीम में ऐसी चीज़ें बनाई है, ऐसे लोगों को लिया गया जो वो एक्सेलेंट लोग रहे। तो हमारा टीम वर्क अगर आप देखेंगे, टीम के मेम्बर्स देखेंगे, तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से एक है जी, जिसमें क्रिटिकल केयर है, कैंसर सर्जरी रहेगा, नॉर्मल सर्जरी रहेगा, बेरियाट्रिक सर्जरी रहेगा, कार्डियोलॉजी रहेगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लो, ईएनटी लो, ऑप्थेम लो, डायग्नोस्टिक पार्ट में पैथोलॉजी लो, माइक्रोबायोलॉजी लो, हीमेटोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ऐसी सुविधाएं जो अवेलेबल इजीली नहीं होती है जी, और कम दाम में इजीली अवेलेबल नहीं होती है, वो देना, ये इस उद्देश्य से हमने ओरियस चालू किया था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ओरियस हॉस्पिटल में ही फर्स्ट टाइम नागपुर में जो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं, वो सेंट्रल इंडिया में अपन ने फर्स्ट बार की है। उसमें दो प्रकार होते हैं, एक फुल्ली मैच्ड, जिनमें एचएलई नाम की जो चीज़ होती है फुल्ली मैच होता है जी जी, और 50% मैच वाला भी अपन ने किया है। ये सब हो सकता है, हुआ है सबके एफर्ट की वजह से, और हमारे सपना जो हमने देखा था वो चालू करने की वजह से। पर बीच में कोरोना आया और फिर वो जो चीज़ें थी उनको थोड़ा सा पीछे रख के मेन हमने हॉस्पिटल जो है वो कोरोना सुविधा के लिए और सर्विस के लिए फिर चालू किया। उसमें भी बहुत से एफर्ट्स लिए हैं, मेनली क्रिटिकल केयर टीम वालों ने बहुत काम किए हैं, मतलब जिसको बोलते हैं अपन सेल्फलेस और टायरलेस एफर्ट्स जो बोलते हैं, वो पूरे टीम ने, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस, वार्ड बॉय, बाहर का सिक्योरिटी टीम आ गई, उसमें पूरी टीम आ गई, पूरी टीम, वो मौसी रहे, साफ करने वाले या खाना प्रोवाइड करने वाले, सभी ने अच्छा काम किया है, इसलिए हमारे हॉस्पिटल का नाम जो है उस वक्त और अच्छा हुआ है। और पूरे नागपुर में या बोलिए बहुत जगह पे हमारे यहाँ पे आउटकम जो रहा था वो बहुत अच्छा रहा। और इस नाम की खासियत मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा। देखिए कैसा है कि ओरियस का मीनिंग जो होता है कि गोल्डन टच होता है, ए यू ओरियम मतलब गोल्ड होता है जी, वहाँ से वो वर्ड लिया गया है। और हमको पेशेंट की जो केयर लेनी है जी, जब हमारा
एक्सपेक्टेशन जब हाई रखते हैं तभी अपन वो उस हाई लेवल तक के जा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का ब्रीद वाक्य है एक्सेलेंस राइट हियर। तो हॉस्पिटल में अगर एक्सेलेंस लाना है, पेशेंट की केयर में एक्सेलेंट केयर देनी है, तो नाम में भी वो आना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए पेशेंट केयर में गोल्डन टच लाने के लिए ये वर्ड चुना गया था। बिल्कुल, गोल्डन टच का मीनिंग ये होता है कि बेस्ट एफर्ट्स। वेरी गुड। और आपकी बातों से और जो एक्सपीरियंस वहाँ के पेशेंट्स ने किया है उससे तो ये रिफ्लेक्ट होता है कि ओरियस मतलब गोल्डन टच ये अपने आप में प्रमाणित भी होता है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हैं, आपने कोरोना काल की बात की कि कोरोना काल में जो भी एक इनिशिएटिव लिया गया उसका जो अनुभव था उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। कोरोना आपत्ति थी बहुत, आज भी मतलब जो जो सब जो भी याद करता है वो पेशेंट रहे या गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे या डॉक्टर रहे या नर्स रहे, अभी अगर अपन फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, याद करके बहुत लोगों ने बहुत लोगों को गवाया भी है जी। जो नहीं जाने चाहिए वो भी मतलब अनएक्सपेक्टेडली सब ठीक है और बाद में कोविड हुआ है और उनको जान गंवानी पड़ी, ऐसे भी हादसे हुए हैं जी। उन सबसे यानी ये एक सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रेशर था और ऑब्वियसली मेंटल भी बिल्कुल था। तो मेंटल फिजिकल ये दोनों इश्यूज हुए हैं उस वक्त और सब लोगों ने अच्छा काम किया है। अगर अपन देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड तो इंडिया में जितनी तबाही होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और उसका श्रेय सभी कोरोना वॉरियर्स को जाता है। अब आने वाले समय में क्या हमने कोरोना से डरना चाहिए या किस तरह से स्थिति होगी या किसी भी तरह से ऐसी एक जो हम पैंडेमिक की सिचुएशन बोलते हैं? नहीं, कैसा अभी पैंडेमिक पहले था, अभी वो शायद धीरे 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 एंडेमिक स्टेज में जाएगा जी। पर ये कब जाएगा ये डिपेंड करेगा कि उसके म्यूटेशन कैसे है, होते हैं क्या होते हैं। डरना नहीं है लेकिन सतर्क रहना है जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि और आपके माध्यम से हम हमारे जो व्यूअर्स उनको बता देंगे, बताना चाहेंगे कि जो कोरोना है या इसके पहले की जो पैंडेमिक स्थिति आई थी वो आना और हमने उनके साथ में जीना और फिर उनको एक रूटीन बना लेना, लेकिन रूटीन को इस तरह से हल्के में कभी नहीं लेना। जो प्रिकॉशंस जो सिस्टम्स हमें बताते हैं, जो प्रशासन हमें बताता है, डॉक्टर्स लोग जो हमें बताते हैं, उसका ध्यान हमेशा उस चीज के लिए रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन में कई तरह के पेशेंट्स से मिलते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं, और जहां हम टच पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका पेशेंट और उनके रिलेशनशिप के साथ में किस तरह की कोई ऐसे कोई विशेष अनुभव आप बताना चाहेंगे या किस तरह से आप उनको, एक होता है कि उसकी बीमारी को हैंडल करना, दूसरा होता है कि उसको मेंटली हैंडल करना, तो ये एज अ डॉक्टर मैं अभी का अनुभव से ज्यादा, मैं जब साइन हॉस्पिटल में था जी तब बेड नंबर 1 के 2 पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि वो हमें मतलब ऐसे तो इंसिडेंसेस बहुत हैं पर वो कैसे जब अपन चालू करते हैं पेशेंट केयर, इंटर्नशिप में इतना पेशेंट केयर नहीं होता है पर जब MD करते रहते हैं तो 24 घंटे वार्ड में ही रहते हैं तो उस वक्त के 2 पेशेंट का अनुभव बताना चाहूंगा। एक पेशेंट थे जो जिनका हार्ट बहुत ही कमजोर था, जो अपन बोलते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है पंपिंग कैपेसिटी 25-30% थी, उनको जो भी रिस्ट्रिक्शन रहता था पानी का वगैरह वगैरह वो कभी कभी नहीं कर पाते थे। तो रात को 2 बजे या अपन जस्ट 12 बजे काम खत्म किए और रूम में गए तो फिर फोन आता था कि पेशेंट की कंडीशन और खराब हुई है, फिर हम जाते थे। तो ये ऐसा बार बार लगभग रोज ही होता था, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, जो भी है। तो ये एफर्ट्स करते 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 लगभग 3-4 महीने वो पेशेंट थे एंड फिर अल्टीमेटली जो भी हार्ट का जो कंडीशन था उसके हिसाब से वो गुजर गए। उसके बाद कुछ महीनों बाद उनकी उन पेशेंट के पास उनका लड़का, उनकी लड़की और उनकी वाइफ रहती थी जी। तो बाद में कुछ सालों बाद वो जब 1-1.5 साल के बाद वो मैडम आती है पेशेंट की वाइफ और फिर मुझे उनका लड़की की शादी का कार्ड देके जाती है और पूरे फैमिली आती है जी। और वो बताते हैं पूरा जो बताते थे कि आप जितनी बार आए हैं ये आपके जो एफर्ट्स थे उस वक्त के वो हमने देखे हैं और उसके थैंक्स करने के लिए हम लोग आए हैं। मोर देन अ डॉक्टर कि आपने जो पर्सनलाइज्ड जो उनके साथ में और कभी कैसा पेशेंट और वो कभी गुस्सा भी होते थे, पेशेंट पेशेंट के ऊपर गुस्सा होते थे, कभी सिस्टम पे गुस्सा। ये तो मेरे ख्याल से आम तो होता होगा कि पेशेंट्स आपके ऊपर में जब आप उनको ट्रीट कर सादा इंजेक्शन लगाने जाओ तो पेशेंट कई बार कभी ऊपर उनको समझाना इंपॉर्टेंट होता है और वो समझते हैं।
वो गुस्सा किसी के पर्सनल नहीं रहता नहीं रहता, वो कैसा रहता है कि वो टेंशन रहता है उस वक्त, yes, it's a reflection of the pain what they are bearing, maybe. और वो जब हो जाता है उसके बाद में पता चलता है कि नहीं एफर्ट्स सच में है और फिर उनका विश्वास रहता है। ये एक इंसिडेंस बताता है। तो दूसरा और एक थे कि एक लड़का, उनकी वाइफ और पेशेंट, लड़का छोटा ही था मतलब 10-12 साल का रहेगा, और वो तो मैं जब मेरा जब कोर्स चलो और उसके पहले ही पहले से ही एडमिट थे, आईसीयू में थे, कुछ पॉइजनिंग उनकी 30-40 के करीब रहेगी, 30-40 के करीब पॉइजनिंग क्या हुआ था, वो घर में गिरे थे, कुछ हुआ था ये किसी को नहीं पता था, बहुत लेट पता चला था, तब तक ब्रेन में गड़बड़ी हो चुकी थी ऐसे। तो वो बहुत साल बहुत महीने आईसीयू में थे, आईसीयू के बाद वार्ड में थे, तो ट्रकियास्टोमी यानी जो यहाँ जो ट्यूब रहती थी वो सब ये करके करके ऐसा महीनों वार्ड की केयर चलने के बाद फिर उनको घर में भेजा गया था। वो खाना भी नहीं खा पाते थे, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट ट्यूब जो पेक ट्यूब होते हैं वो करके फिर वो हमने रिलेटिव को बच्चे को उसको मतलब सिखाए थे, वो सब करने के बाद घर गए। और उसके बाद फिर 1-2 साल के बाद वो लड़का, मैं ऐसे हॉस्पिटल में जा रहा था तो अचानक आया, ललित भाई ललित भाई, मैं एकदम 2 साल में कैसे उसमें चेंज आ गया था, पहचाना आपने, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर मैंने पहचाना, तो बोले अच्छा फिर कैसा है, फिर इधर उधर की सब बातें, और फिर वही वो चालू हो गया, थैंक्स ये वो, फिर वो उसको एजुकेशन का चल रहा था, बाकी सब वो सेटल हो गए थे और खुश थे। तो तभी जब ये सब चीज़ें होती है तो वो सिर्फ उसी के लिए जब मुंबई आए थे तो उससे मुझे मिलने के लिए मुझे ढूंढ के निकाल के फिर मुझे इट्स लाइक कि सर हाँ आपकी वजह से फर्क पड़ा और आपकी वजह से इट्स अ थैंक्स गिविंग हुआ, तो सब टीम वर्क थी, सब आईसीयू वालों ये हो, पर वो सबको मिलने आया था, और ऐसे एफर्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल वो हमारा अवार्ड है, वो हमको अच्छा लगता है ये तो। और मैं तो कहता हूं जब ऐसा होता है दैट विल बी अ डॉक्टर्स डे, उस दिन आपको लगता होगा कि हां वो मेरा डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे उसी के लिए बनाया है, जैसे मदर्स डे रहता है, फादर्स डे, आजकल तो बहुत डेज है सेलिब्रेट, हर डे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट, हर कंट्री में डॉक्टर्स डे अलग अलग दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहीं पे छुट्टियां होती है, हमारे यहाँ पे 1 जुलाई इसलिए लेते हैं कि डॉक्टर बीसी रॉय जो थे वो उनका बर्थ जो है 1 जुलाई को हुआ था, और उनका बहुत सा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये फील्ड में मेडिकल, तो फिर वो डेट वो चुनी गई थी। डॉक्टर साहब आप काफी यंग है और आप जो है इन्वेंशनिस्ट, मतलब आप नए नए तरीकों को अपनाने में विश्वास रखते हैं, हमने आपके बारे में सुना हुआ है, और आधुनिकता की ओर भी आपका, जैसे नए नए इक्विपमेंट्स का यूजेस करना और जल्द से जल्द पेशेंट को ठीक करना, तो ये आप किस तरह से करते हैं, इसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या? थॉट प्रोसेस ऐसे ही रहती है, जो नया आता है उसके बारे में अवेयर रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इधर उधर से फीडबैक लेना पड़ता है, वो टेक्नोलॉजी कैसे है क्या है और वो अपने यहाँ पे कैसे लगाई जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर के टेक्निक वैसे ही वैसे यहाँ काम करेगी वैसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोविड में जो बाहर मेडिसिन चलती थी वो अपने यहाँ पे होगी ही, काम करेंगे ऐसा भी नहीं रहता है, तो वो अपने यहाँ पे काम कैसे करेगी, उसका रिसर्च ये वो सब करके फिर अपने को डिसाइड करना पड़ता है, उसके हिसाब से आगे की बात होती है। आज के दौर में डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा सवाल जो है ना समाज के ऊपर में जो है निर्माण होता जा रहा है, और उस सवाल से कैसे निपटा जाए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि आजकल सेल्फ मेडिकेशन का दौर ज्यादा चल रहा है, कि लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें शॉर्टकट में हम निपटा लें, इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए। बहुत सही पॉइंट निकला है आपने, अभी अगर आप सोचिए 30-40 साल पहले जी, अगर आपको हेडेक हो रहे हैं, सीवियर हेडेक हो रहे हैं जी, तो आज आप काम पे नहीं आएंगे, चल जाएगा 1-2 दिन, आज के दौर में ये हो नहीं पाता है, बिल्कुल बराबर, कोई टीचर है उस वक्त नहीं जा पाए, कुछ चोट लगी हो गया नहीं गए, आज के दौर में वैसा नहीं है, तो कंपटीशन, आज की ड्यूटीज, ये सब चेंज हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुआ है, आज आपको पैरासिटामोल या जो भी गोली है हेडेक की वो खा के यहाँ आपको बैठना ही पड़ने वाला है, इसकी वजह से मेडिसिन के यूज चल रहा है, और जितना अपन व्यस्त हो रहे हैं उतना ज्यादा बीमार भी बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी अलग अलग प्रकार की रहेगी, फिर कंप्यूटर आया उसकी चीज़ें अलग, पहले नहीं था उसके बाद अलग, बैठने की पोजीशन, आज अपन ज़्यादा बैठ रहे हैं पहले नहीं थे, तो मतलब
जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है वैसे वो भी बीमारियाँ भी चेंज होती रहेगी होगी और वो ज्यादा होगी, उसके हिसाब से अपने को। तो लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट मार रहे कि मैं यार ये पैरासिटामोल ले लूं, मेरा हेडेक हो रहा है तो मैं कोई ऐसी मेडिसिन ले लूं। फिर वो नेचुरली मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मुझे पेशेंट देखने जाना है, मैं पैरासिटामोल या एस्पिरिन गोली खा के बैठूंगा वहां जाके, है ना, तो गोली हो गई। हाँ। अगर शायद नहीं जाना है मुझे तो घर में आराम करने से एक आध दिन लोग पहले कर लेते थे, कुछ बाम वाम लगा के जो भी आराम करके हो जाता था लोगों को। तो कुछ कंडीशंस है जो ऐसे आराम से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोलो कि मेडिसिन ना लेके अपन अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं जब तो लेना ही है जी, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मेडिसिन। लेकिन कहीं ना कहीं सादे हेडेक की अगर हम बात करें तो सादे हेडेक के लिए मैंने आज कोई गोली ले ली, मेरा हेडेक उतनी देर के लिए ठीक हो गया, मुझे दो दिन बाद में फिर से हेडेक हो गया, मैंने उसकी भी गोली ले ली, लेकिन कल चल के मुझे पता चलता है कि मेरे सर में कोई ऐसी बीमारी है जो अब एक विकराल रूप ले चुकी है और मेरे सेल्फ मेडिकेशन के चलते, मेरे एक्सपेरिमेंट के चलते अब उसको डिटेक्ट करने में समय होने की वजह से अब मुझे जो ट्रीटमेंट लेनी है वो या तो महंगी भी है और उसके लिए मेरी बॉडी को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। महंगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलूंगा कि अपन डिले हो गए, डिले हो गए तो उसको ट्रीट करने। कोई भी चीज जिसका डिटेक्शन या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जैसे डिले हो जाता है तो फिर नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, फिर नंबर ऑफ मेडिसिन ज़्यादा हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से अलग रहेगा, है ना। वही अगर चीज़ कैंसर की बोली है, कोई भी डिजीज बोली जो अपन जल्दी पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है और अच्छा हो जाता है, कम में हो जाता है, कम तकलीफ में हो जाता है। सही है। आप सर हेमेटोलॉजिस्ट हैं तो, और आप स्पेशली मुझे लगता है कि आप ल्यूकेमिया को पेशेंट्स के भी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एक चीज होती है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर की हम बात करते हैं, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? हर डिजीज में कैसा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपन जब बोलते हैं जी तो प्रिवेंशन क्या करना है ये हमको जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी, और उसके पहले वो बीमारी क्यों हो रही है ये जानना जरूरी, तभी तो अपन प्रिवेंशन करते हैं। हर चीज में अपने को वो नहीं पता रहता है जी, अभी कैंसर का एग्जैक्ट रीजन अपने को नहीं पता है जी, कुछ चीजों में कुछ कैंसर्स में पता है, कुछ वायरस इंड्यूस रहते हैं तो उसका अपन वैक्सीन लेके या वो प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो वैक्सीन अपन जी। हेपेटाइटिस बी एक जंतु है जिसकी वजह से लीवर खराब होता है और साथ में कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं जी, तो सिंपल वैक्सीन से वो प्रिवेंटेबल है, तो ये हो गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की तरह। लेकिन बहुत से ऐसे कैंसर्स है उसमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, तो उनमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अर्ली डिटेक्शन बेटर आउटकम। तो इसकी भी मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है तो आप उसको फिर कैसे ट्रीट कर, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि आज के जमाने में अगर आप किसी को भी बता दो कि तेरे को कैंसर हुआ है तो उसे लगता है कि बस मेरी तो नहीं, सबसे पहला हमारा सेंटेंस वही रहता है कि जो भी निकलेगा उसकी आज के जमाने में ट्रीटमेंट है और ठीक होने के चांसेस बहुत है। पुराने जमाने में बात अलग थी, आज के जमाने में बात अलग है, और फिर बहुत से पेशेंट जो ठीक हुए हैं वो भी बताते हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं और फिर उनको हिम्मत डालनी पड़ती है तब जाके वो काम होता है। अपन जब किसी पेशेंट में भी जब अपन सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें ब्लड कैंसर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है तो उसके एसेंशियल जो इवेल्यूशन है अपन पहले वो करते हैं, पहले कन्फर्म करना ज़्यादा जरूरी है, कन्फर्मेशन, उसका टाइपिंग और वो कैसे बिहेव करने वाले हैं उसके लिए प्रोग्नोस्टिकेशन, ये जो चीज़ें होती है ये करके फिर उसके बाद अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट भी आजकल इतनी इम्प्रूव हुई है, पहले कीमोथेरेपी से लोग डरते थे, बहुत सी तकलीफें भी होती थी, आजकल वैसा नहीं है। एग्जाम्पल लेंगे तो सिर्फ कीमो ड्रग से पेशेंट को पहले जितनी वॉमिटिंग और बाकी, तो वॉमिटिंग एक छोटी चीज़ है, अगर सोचें तो कुछ भी उल्टा सुलटा खाने से हो जाती है, किसी को ट्रैवलिंग में हो जाती है, बिल्कुल ना, पर कीमोथेरेपी से जो देते थे वो बहुत तकलीफ देती थी कुछ पेशेंट, बिल्कुल। आजकल उसकी इतनी सिंपल मेडिसिन आई है कि वो लेने से वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है, तो पेशेंट उसके वजह से डरते थे कि क्या हाल होगा मेरा, बराबर, लेकिन अभी वैसे नहीं है। और ये जस्ट एक एग्जांपल है, उसके अलावा बहुत सी तकलीफें जो पहले होती थी आजकल नहीं होती है, इसीलिए बहुत सी ट्रीटमेंट जो है वो ओपीडी बेसिस पे या डे केयर बेसिस पे भी चलती है, मतलब हमें दवाइयां ली और घर गए, हाँ, मतलब इससे बहुत ज्यादा हमें पैनिक होने की या हमारा संयम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब,
ओरियस की ओर फिर से चलते हैं। ओरियस में क्या क्या सुविधाएं आप किन किन बीमारियों के लिए आपके यहाँ पे मुहैया कराई जाती है? हमारे यहाँ सभी डिजीजेस की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं जी। आप कोई भी पैथी लीजिए, कोई भी फील्ड लीजिए, उसमें उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। अभी ब्लड के बारे में जो भी डिजीज रहेगा उसका ट्रीटमेंट, सर्जरी का है वो भी ट्रीटमेंट, आईसीयू का है वो भी ट्रीटमेंट, पेट का है वो भी ट्रीटमेंट, हार्ट का है वो भी ट्रीटमेंट, किडनी का है वो भी ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्थो का कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस, ऑर्थो में बच्चों के कुछ डिफॉर्मिटीज रहते हैं वो करेक्शन, मतलब सभी ऑलमोस्ट हो जाती है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर्स पेशेंट और पेशेंट्स की जो फैमिली है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होना चाहिए, उस बॉन्डिंग के लिए डॉक्टर्स डे के दिन आप हक से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशन जो रहता है ना, ये विश्वास से बनता है। बिल्कुल। और विश्वास जहां नहीं है वहां वो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता। वो सिर्फ डॉक्टर पेशेंट का ही रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन लीजिए हम जी, हस्बैंड वाइफ का लीजिए, फादर मदर का लीजिए, किसी का भी लीजिए, विश्वास नहीं है तो रिलेशन बन नहीं सकता है। सबसे पहले अपन ने जो और डिस्कशन और चीज़ें बात करना, तो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए उससे, इन्फॉर्मेशन गूगल से ना लेते हुए जो डॉक्टर से आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, उससे वो बताएंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें हर पेशेंट में लागू नहीं होती है। तो जब डिस्कशन होगा तब चीज़ें समझ में आएगी, चीज़ें कॉम्प्लिकेशन समझना है और तभी जाके विश्वास आएगा, विश्वास रहेगा तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ विश्वास है वहाँ पे खराब से खराब पेशेंट ठीक हो जाता है, और जहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ छोटा सा भी प्रॉब्लम है वो उस डायरेक्शन में नहीं जाता है, उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं होता है। बस ये इम्पोर्टेंट है। दर्शकों को भी मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि जहाँ विश्वास है वहां पर उम्मीदें और ठीक होने की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। आज के दौर में सेल्फ मेडिकेशन और खुद से अपने आप को ट्रीट करने की हम कभी भी चेष्टा ना करते हुए बेहतर है, और अपने आप को अगर हम विश्वास के साथ में अगर किसी अच्छे डॉक्टर्स के अपने आप को सौंप देते हैं तो उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं। आज डॉक्टर ललित राउत जी ने हमारे साथ में चर्चा की और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हमारे साथ में की। फिर से इन विशेष टीम और दर्शकों की ओर से मैं डॉक्टर साहब को डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारा धन्यवाद भी करता हूं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करते डॉक्टर साहब। थैंक यू।